यस, तो फर्स्ट आई वांट टू नो कि जो मैंने वीडियोस अभी आपको फॉरवर्ड की थी, कल नाइट में फॉरवर्ड हुई थी और आज शेयर हुई थी, तो किस किसने वो वीडियोस देखी हैं? ओके, बिपिन जी ने देखी है और पारुल जी, आपने यूएफसी? हाँ जी, देखिए देखिए। ओके ओके ओके, हैव यू मेक द नोट्स? हाँ जी मैम, चार्ट बनाया है। ओके ओके फाइन। एंड रंजना जी, व्हाट अबाउट यू? मैं नहीं देख पाई, थोड़ा बिजी थी आज, मैं तो मेरे को टाइम नहीं मिला देखने का। मैं आज आज देख लूंगी। ओके ओके ओके। एंड मोहन जी, हैव यू सीन द वीडियोस? यस मैडम, थ्री थ्री वीडियोस आई सी। ओके ओके फाइन। तो देखिए, वीडियोस देखनी बहुत जरूरी है। मैं एक बार सबको बता रही हूँ कि जो वीडियोस मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ उसमें जो कंटेंट होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडेड मैनर में होता है। जैसे जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, मे भी हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट रह जाए, कोई पॉइंट क्लियर आपको नहीं हो, तो वो वीडियोस में सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियोस मैं देखने के लिए बोलती हूँ, और इसलिए साथ में मैं जूम के साथ साथ आपको लाइव के साथ साथ वो रिकॉर्डिंग्स भी इसलिए देती हूँ, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, जिससे कि आप उसमें अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर कर पाए। ओके ठीक है। अच्छा, तो जिन्होंने वीडियोस देख ली हैं, तो इफ दे हैव एनी डाउट तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स। पहले डाउट्स ले लेते हैं। मैम जैसे हेयर प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम यस, ये किसमें आएगा? देखिए ये अभी आगे कवर होगा। अच्छा, अभी आपने बॉडी होल्स पढ़े हैं ना? हाँ। हाँ, तो बॉडी होल्स में जो है वो उससे रिलेटेड है। जैसे नोज, आपको बताया गया कि नोज कहाँ पर आएगा, कौन से जॉइंट पर है, या ईयर्स कौन से जॉइंट पर है। तो अभी आपको पहले बॉडी होल्स का हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं, और आगे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगे, अभी टिश्यूज भी आएंगे और फिर ऑर्गन्स भी आएंगे, उसमें अच्छा, आपका सब कवर हो जाएगा। अभी स्किन भी नहीं आया है ना? नहीं, अभी नहीं आया है, स्किन ठीक है। ठीक है ना? एनी अदर डाउट यू हैव? मैम अभी जो आप बोल रहे हो बॉडी होल्स के बारे में या जो भी, तो वो तो वीडियोस में है क्या? हाँ कल तो नहीं यस। हुए थे ये मैम। नहीं नहीं ओके नहीं एक्चुअली मैंने इसीलिए मैंने बोला था कि मैं आपको जूम में जितना बता रही हूँ वो सारा कवर नहीं हो पाता है। ओके ना, तो इसलिए यू हैव टू वॉच द वीडियोज ओके ऑल्सो। ओके 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 यस, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर करा दूंगी, लेकिन आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, है ना? जिससे कि हम एवरी इवनिंग उसको डिस्कस करेंगे और डाउट को क्लियर करेंगे ना, तो आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट सीख पाएंगे। ओके अच्छा, चलिए लेट्स, कि मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि इस कलर थेरेपी को सीखने का फायदा क्या है। तो सबसे ज्यादा इसको फायदा है कि जो आपके घर में छोटे से छोटा बच्चा होता है, इवन अ न्यू बॉर्न बेबी, आप उसको भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंड इट इज टोटली सेफ। ठीक है, तो वो बिल्कुल सेफ होता है और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप 95 इयर्स के पर्सन को भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। स्केच पेंस आर टोटली सेफ, और सिर्फ आपको स्केच पेंस ही यूज करने हैं या फिर आपको बोर्ड मार्कर्स यूज करने होते हैं। यू डोंट हैव टू यूज परमानेंट मार्कर्स बिकॉज दे आर केमिकली बेस्ड। स्केच पेंस आर वाटर बेस्ड, आपने देखा होगा स्केच पेंस जो होते हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं, उसमें कोई केमिकल्स एडेड नहीं होते हैं। और बोर्ड मार्कर्स भी इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास उस टाइम, इन अ मीन टाइम, आपके पास जो भी अवेलेबल है, नहीं तो आप एक स्केच पेन का सेट ले लेंगे तो आपके पास सारे कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। बोर्ड मार्कर्स में भी सारे कलर्स नहीं आते हैं, है ना? एंड बोर्ड मार्कर थोड़ा सा आपको कॉस्टली भी पड़ता है अगर आप कंपेयर करें एज कंपेयर टू द स्केच पेन्स।
तो इस बात का इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आप किसी भी एज ग्रुप वालों को आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं एंड इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और आप इसको इजीली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। इवन आप अपने पर्स में भी कैरी करके ले जा सकते हैं, आप अपना कोई बैग ले जा रहे हैं तो बैग में आप कैरी करके ले जा सकते हैं, मतलब पॉकेट फ्रेंडली टाइप ही हो गया एक तरीके से। आप बैग तो कहीं भी जाते हैं, अगर आप कहीं टूर पे जा रहे हैं तो कोई भी आपको ले जाने से मना भी नहीं करेगा। स्केच पेन्स हैं, स्केच पेन हर जगह अलाउड होते हैं तो आप इजीली उसको कैरी करके ले जा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई स्टमक पेन हो रहा है, वॉमिटिंग की सेंसेशन हो रहा है या फिर अगर आपके हेडेक हो रहा है तो आपको आप उसको लगा लीजिए। आप कहाँ पर डॉक्टर को ढूंढेंगे, आप कहाँ पर सोचेंगे कि हम डॉक्टर को सोचते हैं। अगर आप कहीं नई जगह जा रहे हैं या टूर वगैरह पे जाते हैं तो वहां पर आप नहीं कर सकते, आप नहीं ढूंढ सकते कहाँ पर आप डॉक्टर को ढूंढेंगे। रात में ही कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों को कोई पेट में दर्द हो जाता है या किसी को अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में चोट लग जाती है और वहां से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही, देन आप क्या करेंगे ऐसे में। तो ऐसे में ये जो स्केच पेन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा आपको हाईली इफेक्टिव होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जितनी अभी अभी की आपकी परेशानी है, मतलब एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं जो बिल्कुल अभी आपको अभी ही हुई है, बिल्कुल इमीडिएटली हुई है, तो उसका ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट होगा ना वो भी आपको अभी मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है, जैसे लूज मोशन हो रहे हैं, लूज मोशन का फीडबैक मैंने अपने घर में भी देखा है, अपने ऊपर भी अप्लाई किया है और लोगों से भी मैंने बहुत अच्छे फीडबैक्स लिए हैं। आप ये लगा लीजिए, आपको टेबलेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लूज मोशन का कलर जो आगे मैं आपको बताऊंगी ट्रीटमेंट, तो वो अगर आप अप्लाई कर लेते हैं आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है और लूज मोशन में आपको नेक्स्ट लूज मोशन आएगा ही नहीं, इतने इफेक्टिव होते हैं कलर्स। यस, अभी किसी को पता नहीं है कि ड्रॉइंग स्केच पेन इतने इफेक्टिव है, लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो यूज करते हैं उनको पता है कि इनके फीडबैक्स कितने अच्छे हैं, कितना हाईली इफेक्टिव है। तो जितनी जल्दी की प्रॉब्लम है आपकी भी, नई नई प्रॉब्लम है, उतनी ही जल्दी इसको अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। और अगर प्रॉब्लम क्रॉनिक हो चुकी है यानी पुरानी होती जा रही है तो इट विल टेक सम टाइम, ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होगी, वो भी क्योर होगी लेकिन इट विल टेक सम टाइम, ठीक है ना। लेकिन एक्यूट डिसीज है, अभी अभी की डिसीज है तो वो आप इमीडिएटली रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट सब में मिलता है, किसी में 10 सेकंड्स के अंदर रिजल्ट आता है, किसी में 1 आवर में रिजल्ट आता है, किसी में कुछ डेज भी लग जाते हैं। तो इट्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कि किस तरीके की प्रॉब्लम है। वेट जस्ट अ मिनट, सो यस, तो ये मैंने इसके कुछ आपको बेनिफिट्स बताए हैं। और साथ में इसमें सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको सिर्फ एक स्केच पेन का सेट रखना होता है, आप घर में कभी भी किसी को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं, छोटे से छोटे बच्चे को दे सकते हैं, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो चलिए, अब किसी के कोई डाउट्स हैं तो मुझे बता दीजिए। अभी तक जो भी वीडियोस आपने देखी हैं या कल का सेशन था उससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। विपिन जी, पारुल जी, यू हैव एनी डाउट? ओके ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। ये क्रिएशन साइकिल मैंने क्लियर कर दी थी कल, तो अगर इसमें किसी को कोई इश्यू हो तो यू कैन आस्क। ओके, नेक्स्ट इज टोनिफिकेशन एंड सिडेशन ऑफ कलर्स। ये भी मैंने इसकी भी वीडियो आपको भेजी थी लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट सीन, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता देती हूँ, बाकी आप डिटेल में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके,
तो ये जो हमने एलिमेंट्स कल डिस्क्राइब आपको किए थे, बताए थे कि 10 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इनके टोनिफिकेशन और सिडेशन कलर्स भी होते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारी एनर्जी लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, तो यू हैव टू टोनिफाई दैट एलिमेंट, ओके। एंड व्हेन द एलिमेंट इज एक्सेस इन योर बॉडी, एट द टाइम यू हैव टू सिडेट, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं कि इफ देयर इज अ रनिंग नोज, तो रनिंग नोज में क्या हो रहा है, रनिंग नोज में वॉटर एलिमेंट, मतलब वॉटर बाहर आ रहा है, ओके। तो वॉटर क्या हो रहा है, वॉटर एक्सेस वॉटर बाहर आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, वॉटर को कम करेंगे। तो वॉटर एलिमेंट को जब आप कम करते हैं तो यू हैव टू सिडेट वॉटर एलिमेंट, ओके। तो आपको इस तरीके से एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है कि किस एलिमेंट का क्या काम है। आपको आगे आने वाली वीडियोस में आपको एट्रीब्यूट्स भी बताए जाएंगे कि किस एलिमेंट का क्या वर्क होता है और आप कैसे पहचाने कि किस एलिमेंट को आपको यूज करना है, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल आई वॉज गिविंग यू कि वॉटर, जैसे रनिंग नोज में आपने वॉटर अगर आप एलिमेंट को देखेंगे तो एक्सेस हो गया, वो एक्सेस हो गया तो यू हैव टू सिडेट। तो इसी तरीके से आपको क्या करना होता है, ये जो एलिमेंट्स हैं आपको ये देखना होता है कि वेदर द एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इज एक्सेस और लैक ऑफ एनर्जी इज देयर। अगर लैक ऑफ एनर्जी है तो आप क्या करेंगे, आप टोनिफाई करेंगे उस एलिमेंट को पर्टिकुलर, और अगर उसकी एनर्जी हाई हो गई है तो यू हैव टू सिडेट दैट एलिमेंट। तो इसके अलग अलग कलर्स होते हैं एलिमेंट्स के, हर एलिमेंट का अपना एक कलर होता है। तो टोनिफिकेशन कलर अगर आप देखेंगे कि डार्कनेस का है ब्लैक, स्पेस का है वायलेट, विंड का इंडिगो, फायर ब्लू, वाटर ग्रीन, अर्थ इज येलो, टाइम इज ऑरेंज, डायरेक्शन इज रेड, माइंड इज पिंक एंड सोल इज ग्रे, सोल मीन्स आत्मा। एंड सेम इज विद सिडेशन कलर्स। तो सिडेशन कलर्स में क्या होगा, डार्कनेस का जैसे टोनिफिकेशन कलर मैंने आपको बताया ब्लैक, तो इसको जब आपको सिडेट करना होगा तो आप येलो कलर, उसको वॉयलेट कलर से सिडेट करेंगे, यू हैव टू यूज वॉयलेट कलर। एंड इन स्पेस एलिमेंट आप वॉयलेट कलर से टोनिफाई करेंगे एंड सिडेशन कलर इसका है इंडिगो। तो अगर आपको लगता है कि स्पेस जो है आपको अगर घटाना है, कम करना है, तो क्या करना है, आपको इंडिगो कलर यूज अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे एलिमेंट्स आपको देखने हैं कि इसका टोनिफिकेशन कलर कौन सा है और इसका सिडेशन कलर कौन सा है। तो ये आप अगर अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे तो आप जब ये सीख जाएंगे कि आपका कौन सा एलिमेंट क्या वर्क करता है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसका टोनिफिकेशन और सिडेशन कलर कौन सा है, ठीक है। तो ये आप चार्ट अपना चाहें तो बना सकते हैं और इसको याद कर लीजिए, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, या ये भी आपके बहुत आगे काम में आने वाला है कि वाटर को घटाने का कलर कौन सा है, बढ़ाने का कलर कौन सा है, फायर को इंक्रीज करने का कलर कौन सा है, डिक्रीज करने का कलर कौन सा है। अभी आप नोट करना चाहें, अभी आप नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट डाउन। आई एम गिविंग 2 मिनट्स टू नोट डाउन। When you note down, send me thumbs up in the comment section, comment box, so I come to know. मैम ये सब का PDF मिलेगा ना हमको? हाँ मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा and you will get learned also side by side, ठीक है ना?
यस प्रशांत जी बोलिए, व्हाट यू वांट टू आस्क? हो गया है मैम, मैं वही कह रहा था। अच्छा, ओके 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 फाइन। सुशांत जी, हैव यू नोट डाउन? All of you have note down? Send me thumbs up in the chat box. Okay, Bipin ji ka ho gaya, Prashant ji ka ho gaya, Parul ji ka bhi ho gaya hai. Ranjana ji, have you done? Yeah. Yes, ma'am. ओके ऑलमोस्ट हो गया आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके फाइन। चलिए अब आप सब इसको लर्न कर लीजिए। अभी मैं आपको इसका रिवीजन करा देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है आपके आगे, तो उसको अभी जल्दी से लर्न कर लेंगे सब जने एंड देन वी विल डू द रिवीजन। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। तो अर्थ एलिमेंट का कौन बताएगा कि टोनिफिकेशन एंड सिडेशन कलर कौन सा है? अर्थ एलिमेंट का टोनिफिकेशन कलर येलो और सिडेशन कलर ऑरेंज। यस वेरी गुड। नाउ हु विल टेल स्पेस
टोनिफिकेशन एंड सिडेशन कलर स्पेस एलिमेंट इंडिगो वायलेट एंड इंडिगो पार्डन वायलेट एंड इंडिगो आपके वॉइस क्लियर नहीं है एक्चुअली स्पेस का है मैम टोनिफिकेशन में वायलेट और इंडिगो ओके फाइन वेरी गुड नाउ नेक्स्ट इज टाइम एलिमेंट टाइम एलिमेंट के बारे में कौन बताएगा टोनिफिकेशन एंड सिडेशन कलर टोनिफिकेशन इज ऑरेंज एंड सिडेशन इज रेड ओके वेरी गुड नाउ द नेक्स्ट इज फायर एलिमेंट रंजना जी टेल मी फायर एलिमेंट अनम्यूट योरसेल्फ हाँ फायर एलिमेंट का टोनिफिकेशन कलर इज ब्लू एंड सेडेशन कलर इज ग्रीन ओके वेरी गुड नाउ सुशांत जी विल टेल वाटर एलिमेंट वाटर टोनिफिकेशन इज ग्रीन सेडेशन येलो ओके वेरी गुड Rishanji, switch on your camera. Very good, nice. So, अब मेरे को कौन बताएगा direction का, direction element का, sedation and tonification color. You can see your notes. देखिए अभी इतनी जल्दी learn नहीं होंगे, तो you can see your notes. Refer your notes. Tonification is red. Sedation is pink. Very good. Now wind का कौन बताएगा? Wind element. Wind tonification indigo and seduction is blue. Yes. But a blue here is this light blue, no, not dark blue. No, indigo is dark blue and blue is light blue. No. Light blue, no? Where it is mentioned is fire also light blue, no? Yes. जब आप सेडेट करते हैं विंड को तो उसका कलर क्या होता है लाइट ब्लू ठीक है यानी लाइट ब्लू बट देयर आर टू ब्लूज आर देयर नॉट फॉर आई थिंक सी आई विल शो यू हां दिस इज लाइट ब्लू मैडम सी दिस इज इंडिगो या ओके एंड दिस इज ब्लू No. Yeah, means dark blue is indigo no? and light blue is blue. It's window, yeah, correct. Okay. And violet is this, purple, जिसको आप purple भी बोलते हैं. Purple. बैंगनी कलर. Yeah, आप इसको note down कर लीजिए क्योंकि confusion हो जाएगा तो फिर अगर color अगर आप गलत apply कर लेंगे तो उसका आपको effect नहीं मिलेगा. So you can note down. तीन कलर्स होते हैं हमारे पास स्केच पेन में फर्स्ट इज दिस पर्पल तो इसको हम वॉयलेट बोल रहे हैं दिस इज वॉयलेट एंड डार्क ब्लू इज इंडिगो एंड द लाइट ब्लू इज ब्लू लाइट ब्लू इज द टोनिफिकेशन कलर ऑफ फायर जहां भी हम ब्लू की बात करेंगे इट मींस लाइट ब्लू और जहां भी आपको बताया जाएगा ब्लू इंडिगो So you have to apply dark blue. Yeah. And violet is this. Purple. Yeah. Not magenta. बहुत से लोग confusion कर जाते हैं क्योंकि अभी आजकल sketch pens में कुछ colors change आ रहे हैं तो उसमें आप magenta वाला tone नहीं लेंगे. Different color. Yeah. अब कुछ changes आ रहे हैं इसलिए I'm going to tell you this. So now it's clear. Yeah. ठीक है Now who will tell the color of mind, tonification and sedation color? Mind, man. Tonification. Pink. Tonification is pink. And in sedation is gray. हाँ इसमें आप एक चीज नोट कर लेंगे कि मन जो होता है हमारा मन होता है माइंड होता है उसको कभी भी हम सेडेट नहीं करते उसको हमेशा हम टोनीफाई ही करते हैं नेवर सेडेट माइंड
क्योंकि आप सोच के देखिए, हम जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी मतलब माइंड है, मन है, हम उसको थोड़ी हम उसको सिडेट करेंगे, उसको हमेशा हम इम्प्रूव करने के लिए उसको हमेशा हम टोनीफाई करते हैं. नेवर सिडेट माइंड. स्केच कलर, स्केच पेन में ग्रे कलर तो दिया नहीं है. देखिए ग्रे कलर की स्केच पेन अभी आप डोम्स वाले लेंगे ना तो उसमें आ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये एडवांस में बहुत एडवांस लेवल में काम में आता है. अभी आपको इसमें नहीं काम में आएगा ज्यादा, क्योंकि दैट इज यूज फॉर डी जनरेशन. जब कोई हमारा ऑर्गन डी जनरेट हो जाता है, वर्क ही करना बंद कर देता है, देन वी हैव टू यूज ग्रे कलर. हाँ, तो क्योंकि अब अभी आप लोगों की स्टार्टिंग है तो नेवर यूज ग्रे कलर. ऐसे पेशेंट्स को आप लीजिए ही मत जो जिनका ऑर्गन कोई डी जनरेट हो गया है, किडनी फेल हो गई है, इस तरीके की अभी आप बिल्कुल मत करिए. अभी आप स्टार्टिंग में जितने भी लोगों को ट्रीटमेंट देंगे, अगर आप अपने क्लाइंट्स को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फैमिली में भी दे रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट्स दीजिए. जैसे कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट है, हेडेक का है, इस तरीके से कुछ पेन्स वाले ले सकते हैं आप उसमें, ठीक है ना. या रनिंग नोज है, नोज ब्लॉक हो गई है, इस टाइप से वॉटरी आईज है, ड्राई आईज हो गई, आईज में इन्फेक्शन हो गया. तो स्टार्टिंग में जो बहुत छोटे छोटे और बहुत कॉमन डिसीजेज हैं, स्टार्टिंग में आप वो ट्रीटमेंट लीजिए. इसके इफेक्ट भी बहुत जल्दी दिखाई देते हैं, बहुत जल्दी इसका इफेक्ट आता है. ओके, सो चलिए मैं अब एक एक सबसे एक एक करके पूछती हूँ नाउ. चलिए बिपिन जी, स्टार्ट फ्रॉम यू. आप मेरे को बताइए कि विंड को टोनिफाई और सेडेट करने का कलर कौन सा है? विंड को टोनिफाई के लिए इंडिगो और सेडेट के लिए लाइट ब्लू. ओके फाइन, वेरी गुड. नाउ पारुल जी, यू विल टेल. टोनिफिकेशन एंड सेडेशन कलर ऑफ टाइम, टाइम एलिमेंट. टाइम एलिमेंट का टोनिफिकेशन कलर ऑरेंज और सेडेशन कलर रेड. ओके वेरी गुड. नाउ प्रशांत जी, टेल मी. यस मैम. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. या थैंक यू सो मच. सो अब आप मेरे को बताएंगे कि वाटर को टोनिफाई एंड सेडेट करने का कलर कौन सा है? वाटर यानी जेल. वाटर को मैम टोनिफिकेशन है ग्रीन एंड सेडेशन है येलो. ओके फाइन, वेरी गुड. नाउ सुशांत जी, यू विल टेल. आप बताएंगे कि अर्थ एलिमेंट को टोनिफाई और सिडेट करने का कलर कौन सा है? सिडेशन सॉरी टोनिफिकेशन इज येलो, सिडेशन इज ऑरेंज. ओके वेरी गुड. रंजना जी, नाउ इट्स योर टर्न. यस, यू विल टेल. डार्कनेस एलिमेंट के बारे में बताइए आप. टोनिफिकेशन एंड सेडेशन कलर ऑफ डार्कनेस यानी तम. टोनिफिकेशन कलर इज ब्लैक एंड सेडेशन कलर इज वायलेट. सेडेशन कलर इज वायलेट. वायलेट. यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. मोहन जी, आर यू एबल टू आंसर? कैन आई आस्क यू द क्वेश्चन? तो यहां तक सबको क्लियर हो गया है? अगर यहां तक किसी को डाउट्स हो टोनिफिकेशन और सेडेशन कलर्स में तो यू कैन आस्क. ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि जब भी हम कहीं भी ट्रीटमेंट देंगे बॉडी का
टेन फिंगर्स में मैंने बताया था, टेन फिंगर्स पे और आपको सिर्फ जॉइंट्स पे इसको देना होता है ट्रीटमेंट। ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं फिंगर में, थ्री जॉइंट्स होते हैं, इन पर ही आपको ट्रीटमेंट देना है, यही कलर्स अप्लाई होते हैं और कहीं नहीं होते। और यहीं पर ही आपकी ये जो टेन फिंगर्स होती हैं हैंड की, तो यहीं पर ही आपको सारा ट्रीटमेंट देना है, वेदर डिसीज इज एनी वन, कोई सी भी डिसीज हो, वेदर द डिसीज इज मोर देन 100 ऑल्सो, आपको सारा जितना भी ट्रीटमेंट करना है फिंगर के जॉइंट्स पर ही करना है, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट है। ओके नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। यहां तक अगर किसी को कोई भी इशू हो तो आप मेरे को एक बार बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ कि आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं उनको मैंने वीडियोस फॉरवर्ड हो गई हैं, और साथ ही साथ आपको कल की जूम की रिकॉर्डिंग भी आपको फॉरवर्ड हो जाएगी ग्रुप में ही, जिनकी रह गई है जो लोग दोबारा देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, एंड दोज हु आर न्यू तो आप भी अच्छे से देख लीजिए, कल तक आप कवर कर लेंगे, कुछ ऐसा इशू नहीं है। और मल्टीपल टाइम आप उस वीडियो को देखिए, वो आपको हमेशा लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में रहेंगी आपके साथ वो वीडियोज़।